नमस्कार, स्वागत करते हैं आज की बड़ी और मुख्य समाचार के इस वीडियो से। तेजस्वी यादव के लिए एक संजीवनी बिहार में दिखाई दे रही है और यह संजीवनी बिहार में आज तेजस्वी के लिए क्रांति लाने जैसी है। कांग्रेस के तमाम नेताओं के लिए भी राहुल गांधी ने यहाँ एक मजबूत ताकत दिया और बिहार में नीतीश कुमार का समर्थन के कारण आज एक बार फिर लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा है। तेजस्वी के समर्थन में उतर करके लालू प्रसाद यादव करेंगे चुनाव प्रचार प्रसार, यह बात साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इसके साथ आज की बड़ी और मुख्य समाचार के अंदर बात करेंगे कि किस तरीके से अमित शाह समेत तमाम नेताओं के रडार पर दिखाई दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार के गठबंधन ना रहते हुए भी, यानी नीतीश कुमार बीजेपी पर संपूर्ण तरीकों से वार करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल गठबंधन वाली कोई बातचीत नहीं। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए गंभीरता के साथ कई सवाल पूछे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। बड़ी खबर की शुरुआत आपको बता दें तेजस्वी यादव से करते हैं। बिहार में तेजस्वी यादव के नाम की चर्चा और देश के लोगों के लिए एक विषय बनना बहुत बड़ी बात है। देश में राहुल गांधी और तमाम अन्य नेताओं से गठबंधन का हुजूम और अन्य नेताओं से गठबंधन की बातें इनके लिए सुर्खियां बिटोर रही है। माना जा रहा है कि आज राहुल गांधी देश में किसी नई क्रांति को जन्म देने के लिए साफ तौर पर इरादाबद है, लेकिन इसके साथ तेजस्वी यादव भी कई मर्तबे जो हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी का समर्थन करते नजर आते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी और बातों के तौर पर नीतीश कुमार के लिए समर्थन दिखाई देते नजर आते हैं। अब ये बात तय है कि नीतीश कुमार को अगर प्रधानमंत्री बनाया जाएगा तो देश का प्रधानमंत्री बनते बनते तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कुर्सी मिल जाएगी। अगर आप भी चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री जल्दी से जल्दी बने तो इस वीडियो पर 5000 से ज्यादा लाइक कर समर्थन दर्ज जरूर कीजिएगा। उम्मीद है कि 5000 से ज्यादा लाइक कर आप समर्थन दर्ज जरूर करेंगे। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बारे में। देश के प्रधानमंत्री ने देश के लोगों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ बड़ा करते रहते हैं और आज जब वह विदेशी दौरे पर है तो वह देश के लिए गर्वान्वित चीज़ों कर रहे हैं, जिससे देश खुद में गर्व कर रहा है। देश के लोगों को आज ये महसूस हो रहा है कि किसी अच्छे चीज़ से हमें आज नवाजित किया जा रहा है और अलग अलग देशों के तमाम प्रधानमंत्री भी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता मान रहे हैं और अपना सबसे ज़्यादा इरादा वाला नेता मान रहे हैं, क्योंकि आज इरादा मजबूत है और एक मजबूत इरादा ही ताकत भर सकता है, एक मजबूत इरादा ही ताकत दे सकता है और इसीलिए वह साफ इसके लिए इरादाबद्ध है और इरादों के साथ एक मजबूत ताकत के लिए काम कर रहे हैं। खैर, अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट में, आप क्या सोचते हैं। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करते हुए आप बताइएगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 2024 में कितना बड़ा कमाल कर पाएंगे या कितना बड़ा कमाल कर सकते हैं। बड़ी खबर तो निकलकर सामने आ रही है बिहार के चर्चित पत्रकार एवं यूट्यूबर मनीष कश्यप को लेकर के। बिहार के चर्चित पत्रकार एवं यूट्यूबर मनीष कश्यप ने संपूर्ण तरीकों से अपनी कार्रवाई को एक नया मोड़ दिया है। ऐसे में दोस्तों आज तेजस्वी यादव समेत तमाम नेताओं पर हमला बोले जाने के बाद में वह जेल के सलाखों के पीछे हैं, उनसे सिस्टम और व्यवस्था काफी रुष्ट है और ऐसे में लोग कह रहे हैं कि अब जो है बिहार में बिहार का नाम करने के लिए मनीष जो है वो आवाज़ बुलंद कर रहा था और मनीष का आवाज़ दबा दिया गया। मोतिहारी में, बिहार के मोतिहारी में बिहार के चर्चित पत्रकार एवं यूट्यूबर मनीष कश्यप के लिए एक बहुत बड़ा आपको दादे की ताकत दिखाई देगी, जहां लोगों का हुजूम और ज़बरदस्त तरीकों से प्यार देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट में दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर से बता दें कि इस वक्त तेजस्वी यादव के लिए एक मजबूत पहलू जो है वो दिखाई दे रही है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है लालू प्रसाद यादव से जुड़ी हुई। बिहार में लालू यादव के अलावा तमाम नेताओं का नाम जो है इस वक्त सुर्खियों में है। लालू प्रसाद यादव भी लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे, यानी लोकसभा चुनाव में चुनाव प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों के दिलों पर राज करने का प्रयास करेंगे, लोगों के दिलों पर राज करेंगे। यह माना जा रहा है कि वह एक मजबूत हैं और मजबूती के साथ अपने कामों को करते हैं और इसीलिए लालू प्रसाद
यादव से जुड़ी यह महत्वपूर्ण बात और जानकारी भी सामने आ रही है। जी हां, लालू प्रसाद यादव ने लोगों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ा है और आज एक बार फिर से इस लड़ाई को कंटिन्यू करने की बारी है। हालांकि दोस्तों, आपकी क्या राय है, अपनी राय कॉमेंट में दीजिएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और आपकी क्या राय। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में लालू प्रसाद यादव इस वक्त मजबूती से अपने पहलुओं को तार कर रहे हैं और मजबूती से अपनी कोशिशों को कर रहे हैं। ऐसे में अपनी राय कमेंट में दीजिएगा, लालू प्रसाद यादव से कितना पड़ेगा प्रभाव और क्या होगा। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त, और बड़ी खबर यह है कि आज एक बार फिर से जी हाँ बिहार में जो विरोध हो रहा था, इस विरोध के बाद में बिहार के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी की मुश्किलें बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज एक ट्वीट करते हुए लोगों से कहा कि नए सांसद भवन के ऊपर आप वॉशओवर कीजिए और अपनी तमाम जी हाँ इस देश को दिखाइए कि हम सभी कितने आगे जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ कई अन्य मुसीबत भी आ पड़ी है और इस मुसीबत को झेलना प्रधानमंत्री को है। अब देश के प्रधानमंत्री जी कैसे इस लड़ाई को लड़ते हैं यह देखने वाली बात होगी, पर इस लड़ाई में कई अन्य पहलुओं भी सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री का विरोध हो रहा है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन ना करें इस बात को कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अगर उद्घाटन करते हैं तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी उद्घाटन क्यों करेंगे। ऐसे में कई सवाल उत्पन्न हैं, कई सवालों का जवाब भी चाहिए, पर सिस्टम के अनुसार, नियमों के अनुसार। बड़ी कल को सामने आ रही है इस वक्त लालू प्रसाद यादव से जुड़ी हुई, बिहार के चर्चित चेहरा हैं लालू प्रसाद यादव और हमेशा से सुर्खियों में बने रहते हैं। उनकी चर्चा लोकसभा राज्यसभा सभी चुनाव में होती है। वह चुनाव में बिहार के लोगों को सिर्फ इतना कहते हैं कि सही और गलत का फैसला जनता करेगी। ऐसे में लालू प्रसाद यादव का क्रेज आप ऐसे समझ सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब होने की खबर सुनने के बाद में लाखों लोगों के द्वारा बिहार के लाखों लोग जो हैं उनके लिए दुआ प्रार्थना करते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। जेल से बाहर आने के बाद में लालू प्रसाद यादव से मुलाकात के लिए लोगों का तांता लग जाता है, एक एक कर लोग मुलाकात करना चाहते हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव जो है लोकसभा चुनाव में कितना बड़ा कारगर साबित होंगे, कितनी बड़ी हुजुंड और कितनी बड़ी ताकत के साथ अपने कार्यों को कराने में सफलता प्राप्त करेंगे, ये वक्त के साथ चीजें बदलेगी और देखने को भी मिलेगी। आप हमारे साथ बने रहिएगा। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त नीतीश कुमार को लेकर के, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के लोगों के लिए जो जो कार्य किया है उससे कार्यों को वह गिनाते भी रहते हैं। एक बार फिर से बिहार के अंदर उन्होंने अपने कार्यों को गिनाया और कहा कि देखिए हमारी सभी कामों की तारीफ बिहार की जनता करती है। हालांकि ये नीतीश कुमार जी कहें या ना कहें, लेकिन ये बात हकीकत है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का कायाकल्प किया है और इसके साथ उन्होंने चीजों को भी बदला है। लेकिन समय के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी चीजों को बदलने का जो मुहिम है वो चलाते रहते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2024 में क्या नीतीश कुमार जी की रणनीति इतनी बड़ी कारगर साबित हो सकती है कि वह प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के साथ देश के प्रधानमंत्री पद को भी वह मात देंगे और देश के अंदर जो लोग नीतीश कुमार का कोई कुछ नहीं समझता वो कर पाएंगे। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। बड़ी खबर यह है कि बिहार में अमित शाह उन सभी चेहरे को अपने समर्थन में लाना चाहते हैं। या फिर से सुन लीजिए, बिहार के वो तमाम चेहरे जिन चेहरों पर भारतीय जनता पार्टी दाव लगाना चाहती है, और वो चेहरे हैं नीतीश कुमार के अंदरूनी, जैसे कि जीतन रमाझी, जैसे उपेंद्र कुशवाहा, जैसे आरसीपी सिंह। ऐसे में ये तमाम ऐसे नेता जिन नेताओं की पैठ जड़ तक है, और जड़ जब गायब कर दिया जाएगा तो पेड़ को गिरना ही गिरना पड़ेगा। ये अमित शाह रणनीति लगा रहे हैं, और अमित शाह की इसी रणनीति और कारगर इरादा 2024 में किसी बड़े तौर पर चीजों को बदलने का एक मौका दे सकता है। हालांकि आपकी इस पर क्या राय है, अपनी राय कॉमेंट में लिख करके दीजिएगा। अमित शाह बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए हमारी रणनीति मजबूत होती है, और राजनीतिक तौर पर जो लोग हमें जानते हैं वो जानते हैं कि हमारी रणनीति कितनी बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ती है।
बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है राहुल गांधी को लेकर के। राहुल गांधी ने आज ट्रक यात्रा किया है और ऐसे में यह ट्रक यात्रा किसके साथ, आप ये भी समझ लीजिए। बिहार देश और देश दुनिया की तमाम सड़कों पर नेता जाते हैं, लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए कार्यों करते हैं और लोगों की मौलिक समस्याओं को सुनने के साथ ही उनकी सभी कार्यों करने नजर आते हैं। लेकिन आज बिहार समेत देश के तमाम नेताओं की बात नहीं करेंगे, देश के एक ऐसे नेता के बारे में बात करेंगे जिन्होंने आज लोगों का, जी हाँ आपको बता दें, कि समस्याओं को समझने का प्रयास किया। आज राहुल गांधी ट्रक यात्रा किए तो आज कांग्रेस ने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, जननायक राहुल गांधी जी ट्रक ड्राइवर की समस्या जानने उनके बीच पहुंचे। राहुल गांधी ने उनके साथ दिल्ली से चंडीगढ़ तक का सफर तय किया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल, जी हाँ आपको बता दें कि सड़क पर करीब 90 लाख ट्रक ड्राइवर जो है सोते हैं। इनकी, जी हाँ आपको बता दें कि समस्या काफी ज्यादा है। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के। अब उपेंद्र कुशवाहा और जीतन रामाझी, ये दो चेहरे ऐसे हैं जो जेडीयू को डैमेज कर ही कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू को अंदरूनी तौर पर डैमेज कर रहे हैं। ये दो ऐसे नेता हैं जिन नेताओं की पैठ और मजबूती आप चाहे जितना समझते हो, लेकिन ये अंदर तक जड़ बने हुए हैं और महागठबंधन की ये जड़ है, क्योंकि इनके नाम पर मार्केटिंग कर इनके समुदाय के तमाम लोगों के वोटों को लिया जाता था। उपेंद्र कुशवाहा समय के साथ समझ गए और समय के साथ समझने के साथ ही उन्होंने यह तय कर लिया कि किसी भी प्रकार से वह इसका समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ कई अन्य लोग भी इसको लेकर के चर्चा में बने रहे। अब उपेंद्र कुशवाहा ने 2024 और जीतन रामाझी ने एक कम्युनिटी और कमिटी बनाने की बात महागठबंधन में की है। अब इस पर क्या महागठबंधन तैयार होगा, अपने आप में देखने वाली बात, पर भारतीय जनता पार्टी कह रही है आओ हमारे साथ।